वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डार्क कनेक्शन। 26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को देश भर में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हर कोई देशभक्ति के सराबोर में डूबे होते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा में भी देशभक्ति के रंग को अलग अलग और ख़ास अंदाज में दिखाया जाता रहा है, जिसे दर्शक हमेशा से ही पसंद करते आए हैं। अब जल्द ही कई ऐसी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं जो देशभक्ति की भावना को हमारे दिलों में और बढ़ा देगी। 26 जनवरी के इस खास मौके पर आज हम आपको देशभक्ति से प्रेरित 5 आने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं। बात करें इस फिल्म की, बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक वॉर फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का किरदार निभाएंगे। फैंस उनकी इस फिल्म का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म अभिषेक दुधिया के निर्देशन में बन रही है। इस फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेह, शरद केलकर और एमी वर्क मुख्य किरदारों में होंगे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान की है। यह फिल्म इस साल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। भुज फिल्म के अलावा कुछ फिल्म हैं जो देशभक्ति से प्रेरित हैं, जैसे सरदार उधम सिंह, या फिल्म महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता विकी कौशल मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म सरदार उधम सिंह का निर्देशन सुजीत सरकार ने किया है। अटैक, यह फिल्म भी देशभक्ति से प्रेरित है। इस फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम, रकुलप्रीत सिंह, जैकलिन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। फिल्म अटैक का निर्देशन लक्ष्य राज आनंद कर रहे हैं। शेरशाह, यह भी वॉर पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन कर रहे हैं। देशभक्ति से प्रेरित फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। बता दें, ये सभी वो फिल्में हैं जो साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। अब यह सभी फिल्म इस साल सिनेमाघर में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।